मेरा पति हैंडसम है, मेरा पति हाथों से खाता है, मेरा पति सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज है 16 मार्च। आज मुझे जाना है मेरी किट्टी पार्टी में। मेरा गला खराब हो गया, मौसम चेंज हो रहा है ना, और मैं यहाँ पे इनको कह रही हूँ उठ जाओ फटाफट से नहा लो, मुझे किट्टी में जाना है आज जल्दी जल्दी रेडी होके। और रेडी होने के लिए भी मुझे चाहिए होता है टाइम, आधा पौना घंटा, कम कह दिया, ज्यादा चाहिए होता है तो मन ही नहीं रहे। सागर की वोटी देखे जा रहे हैं सुबह से, जब भी इंस्टाग्राम खोलो कुछ भी खोलो वहीं पे सागर की वोटी इंडिका चला रही है। यार पागल कर दिया इस गाने ने, कुछ है नहीं। 2005 में गाना बना था और 2023 में जाके सागर की वोटी को लाइसेंस मिला, समझो। ऐसे ही होता है जब किसी की किस्मत चमकती है, कभी हमारी भी चमकेगी। मनु सो रहा है, उसको उठाती हूँ, नहीं तो फिर वो पीछे से नहाएगा धोएगा अपना, फिर सारा सामान फैला के छोड़ देगा। और मैं जाके थोड़ा किचन का काम समेटती हूँ, उसके बाद रेडी होती हूँ। और फिर दिमाग में ना घोड़े भी दौड़ाने हैं कि क्या पहन के जाऊं, जींस पहन के जाऊं या सूट पहन के जाऊं, क्योंकि आज की हमारी किट्टी का थीम है व्हाइट। व्हाइट पहन के जाना है, और व्हाइट में मेरे पास दो ही चीजें हैं, एक टॉप है और एक कुर्ती है। पता नहीं क्या डालू, दोनों ट्राई करके देखू, मुझे जो अच्छा लगेगा वही डालूंगी, क्योंकि अभी 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 विंटर गई है ना, तो अभी समर स्टार्ट हुई है, तो अभी पता नहीं, ध्यान नहीं है कि कौन सा कैसे जचेगा, बिग प्रॉब्लम। गुड मॉर्निंग। डर गया मेरा बेटा, ऐसे मैं सो रहा। अच्छा उठ जाओ, मेरे को किट्टी में जाना है आज, जल्दी से उठ जाओ। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारी करने, क्योंकि किटी पे जाने से पहले मुझे बहुत सारे काम करके जाना पड़ता है। और मनु को भी उठाया था, उसको चाय वगैरह देनी है, वो दूध नहीं पी रहा आज। नाश्ता कर लो। और आज मैंने हस्बैंड के लिए बनाए हैं स्प्राउट्स, उनका मन था स्प्राउट्स खाने का, तो मैंने चने स्प्राउट्स करके रखे, तो इसमें मैंने खीरा प्याज टमाटर वगैरह डाल दिए हैं। तो गाइस ये देखिए मम्मी ने कितना ढेर लगा रखे नेल पेंटों का, इतनी सारी नेल पेंट। बस आज किट्टी में जाना है इसलिए। वैसे मम्मी नेल पेंट नहीं लगाती, और लगाती है तो 12-12 दिन तक नहीं उतारती। तो उतारते तो नहीं ना, मतलब अच्छी लग रही है। अगर मैं सच बोलूंगा तो आप मेरे को डांटोगे ना? चुप रह, तू सच मत बोला था। मैं सच बोल रहा हूँ कि आप ठीक ठाक लग रहे हो। अभी तैयार होंगी तभी तो अच्छी लगूंगी, अभी तो नेल पेंट लगा रही हूं, तो बर्तन धोने जा रही हूं। नेल पेंट लगा के बर्तन धोने कौन जाता है यार? मेरे मम्मी हो आप हमेशा, और मेरी मम्मी ही रहोगे। नाश्ता नहीं बनाना पापा का तेरा? हाँ तो अभी ये ड्राई हो जाएगी तो बर्तन धो लूंगी, ये एक्स्ट्रा है ना जो सारी उतर जाएगी। ठीक है, तो ये सारे काम हम निपटा के फटाफट से रेडी हो गई, क्योंकि अभी ना समर स्टार्ट हो गई है, तो किट्टी पे ना हमने टाइमिंग भी पहले रख दिया कि 11:30 बजे, पहले हम 12 बजे जाते थे। तो मेरी फ्रेंड का फोन आया कि मैं तो जींस टॉप डाल रही, तो मैंने भी यहाँ पे जींस टॉप डाल लिया। मैंने कहा चलो सेम सेम हो जाएंगे, और वैसे आज का व्हाइट थीम है, तो फिर मेरी जो कुर्ती है ना वो ज्यादा वाली अच्छी है, तो फिर मैंने कहा उस पर कलर वलर लग जाएगा तो खराब हो जाएगा, इस टॉप पे लग जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है, इसलिए मैंने जींस टॉप डाल दिया। अब मैं जा रही हूँ किट्टी में। हेलो, टाइम पे पहुंच गए वैसे हमें ना, पंचुअलिटी राइट है। अरे आज लेट हो गए, नहीं तो हम हमेशा पहले आते हैं। तो हमारी ये जो दो भाभियां सामने आपको दिखाई दे रही हैं 50-50 रुपीज लेके, तो ये पंचुअलिटी की विनर हैं। पंचुअलिटी का मतलब होता है कि जो टाइम पे आएगा तो उनका टोकन लगाया जाता है, और टोकन में जिनका दो नंबर सिलेक्ट होते हैं वो विनर हो जाता है। तो 50-50 रुपीज ईच पर्सन को मिल जाते हैं, तो ये दो विनर है। ये गेम है, इसमें स्लिप्स दी गई है, इस स्लिप्स में एक वर्ड लिखा होगा, मतलब एक अक्षर लिखा होगा, ठीक है, उस अक्षर पे आपको अपने पति की तारीफ करनी है। लाइक लिखा है क, क से आपको जितने वर्ड्स बनाने हैं उसमें अपने हस्बैंड को डिफाइन करना है। लाइक क, मेरा पति काला, मेरा पति कामचोर, मेरा पति कुड़कुड़ करता है, कुछ भी ले सकते हो। और 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उस 30 सेकंड में मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाइन। मैंने रात को करके देखा था 15 सेकंड, 10-30 सेकंड बहुत ज्यादा है।
ज्यादा है, 10 सेकंड बहुत है, 15 सेकंड का टाइम है। ओके 15 सेकंड में तो हम पति तो लड़ाई पे पहुंच जाते हैं। इसके मेरे पति और मेरा रिश्ता बहुत खूबसूरत है। मेरा पति खाना मेरे हाथ का बहुत अच्छे से खाता है। मेरा पति बहुत खूबसूरत है। मेरा पति खाने पीने का बहुत ज्यादा शौकीन है, बाहर का भी और घर का भी। मेरा पति हकलाता नहीं है। मेरा पति हलवाई भी नहीं है। मेरे पति को हाथी की सवारी बहुत पसंद है। मेरा पति हाथों से मेरे लिए खाना बनाता है। मेरा पति सारा दिन हाथ मेरा पति नलायक नहीं है। मेरा पति नानी के घर मेरे साथ जाता है। मेरा पति नमकीन शौक से खाता है। मेरा पति नजर उतारता है, यही बोलना था, नजर ही आ गया। मेरा पति एक लड़का है, वो लट्टू खेलता है, वो लड़कियों को घुमाता है, वो लड़कियों को ताड़ता है। मेरा पति समझदार है, मेरा पति सुंदर है, मेरा पति स्वीट है, मेरा पति समझदार है, सोना है। मेरा पति मुझे फल फ्रूट खिलाने लेके जाता है। मेरा पति कौन से, हाँ नहीं वो तो नहीं है यार, नहीं मेरा पति कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। मेरा पति चालाक है, मेरा पति चतुर है, मेरा पति चाइनीज फूड खाता है, मेरा पति चौमिन खाता है, मेरा पति मेरा पति मछली नहीं खाता है, मेरा पति मेरे साथ मायके जाता है, मेरा पति मेरे साथ मेरी मामा के घर भी जाता है, मेरा पति मेरा पति शातिर है, मेरा पति शलगम नहीं खाता है, मेरा पति शौकीन है, मेरा पति शर्मीला है, मेरा पति शौचालय जाता है, मेरा पति शौकीन है खेलने का, मेरा पति शर्माता है। गेम की विनर हूँ मैं, और मैंने अपने पति की बहुत तारीफ की है, चाहे बुराई ले लो, जीतने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, और आज मैं जीती हूँ 100 रुपए। मैं इसके लिए नया नोट निकाल के लाई थी, चलना तो 100 में ही है, 101 में चले तो फायदा हो पैसे। थैंक यू, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। मेरा पति चमकदार है, मेरा पति पता नहीं मेरा पति चमकदार है, मेरा पति चमकीला है, मेरा पति चमचम खाता है, मेरा पति चम्मच से खाता है। चलो जी, ये भूखी शेरनियां लग गई है अपने खाने पे। मेरी पहले रंग बिरंगी रहे सारी जिंदगी, क्योंकि अभी होली आने वाली है, तो आज की हमारी किट्टी का जो थीम था व्हाइट था कपड़े का, और हमें होली खेलनी थी, एंजॉय करना था, तो कलर्स वगैरह फ्लावर्स सब लेके आए थे, सब ने एक दूसरे पर गुलाल लगाया और सबने बहुत बहुत एंजॉय किया। आज की गेम भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, सबने बहुत फन किया, और सब लोग वो आपको दिखाई दे रही है हम कैसे फन करें। हमने बहुत सारी रील्स भी बनाई, वो आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर दिख जाएंगी, और हमने थोड़ा बहुत मस्ती वस्ती करके एक दूसरे की मतलब टांग खिंचाई भी की। भाई किट्टी खत्म होने वाली हमारी, और लास्ट में जाते जाते पिक्स ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम गर्ल्स के साथ, गर्ल्स लेडीज महिलाएं जो भी आप बोल सकते हो, फिर नहीं तो कमेंट में डाल देंगे भाई तुम गर्ल्स का हो, तुम तो लेडीज हो, जो कुछ भी मानो भैया। और हमने फोटो वोटो क्लिक की और बहुत मस्ती की भाई, बहुत तो सब लोग चले गए अपने घर को, और लास्ट में हम 2-3 लोग बचे हैं अभी। और ये देखो रूम का हाल, जहाँ हमने किट्टी की थी होटल में, भैया भी सोचेंगे साफ करने आएंगे ना भाई, किन जंगली जानवरों को हमने दे दिया ये होटल में कमरा किट्टी बनाने के लिए। भाई सफाई करने में भी भैया को लगने वाले हैं 2-3 घंटे तो आराम से। तो अभी हम जा रहे हैं अपने घर पे, और घर पहुंच के फिर वही दिमाग में टेंशन आती है घर के काम,
और घर पहुंचते ही काम तो करने हैं भैया, बर्तन जूठे वूठे पड़े थे, दोपहर का खाना तो मम्मी ने खिला दिया था इनको, लेकिन बर्तन मम्मी से नहीं हो पाते हैं, मम्मी भी इतना नहीं कर पाते हैं, तो बर्तन मैंने घर आके धोए और कपड़े वगैरह मैं धो के गई थी, सारे काम करके ही गई थी, और मोट सफाइयां वगैरह भी सब कुछ हो गया था, बस ये जो काम पेंडिंग है ये तो मुझे करनी है। लेकिन शाम को मेरे हेडेक बहुत ज्यादा होने लगे और मेरा बहुत दिनों से मतलब कुछ 2 महीने से लगभग माइग्रेन का जो प्रॉब्लम शुरू हुई है ना, ठीक ही नहीं होने प्यारी। किट्टी विट्टी में चली गई, एंजॉय कराते हैं, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है, नहीं तो सिर दर्द इतना ज्यादा होता है कि मेडिसिन खा खा के मैं थक चुकी हूँ। मैंने मेडिसिन खाई, थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर से लग गई मैं अपने घर के कामों पे। कपड़े प्रेस करने वाले पड़े थे क्योंकि कपड़े मैं धो के गई थी, और मेरी हैबिट है कि मैं डेली की डेली कपड़े जितने भी होते हैं ना प्रेस व्रेस करके तह लगा के रख देती हूँ, ताकि कहीं जाना आना पड़ जाए, सो दुख सुख है तो कोई भी ना इतना काम फैला नहीं रहे, तो क्योंकि काम फैल जाता है ना तो प्रेशर हम औरतों पे ही आता है, तो मैं साथ के साथ जितने 2-4 कपड़े होते हैं कभी ज्यादा कभी कम एक साथ कर लेती हूँ। कपड़े वड़े प्रेस करके मैंने रेस्ट कर लिया था, थोड़ा सा सिर दर्द में आराम आ गया, फिर मैं आ गई किचन में डिनर की तैयारी करने के लिए। और थैंक गॉड कि आज डिनर मुझे अच्छे मतलब हैवी वाला नहीं बनाना था, दोपहर को राजमा चावल बनाए थे, तो बहुत सारे राजमा मैंने नहीं खाए थे तो पड़े थे, तो बस रात को राजमा चावल ही खा लेते हैं, बस मुझे चावल को थोड़ा फ्राई करना था और मेरा काम खत्म, मैं जाके रेस्ट करती हूँ और आज का ब्लॉग हम यहीं खत्म करते हैं। बाय बाय।